अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है पढ़ेंगे मोशन ऑफ ऑक्सीलेटर। देखो अगर ये टॉपिक आप छोड़ देते हो ना आज वाला, तो आपको ये हमेशा तंग करेगा, ये टॉपिक कभी भी सही से समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आज ये टॉपिक समझ लेते हो ना, इंशाल्लाह आपको हमेशा ये टॉपिक काम आएगा और यूनिवर्सिटी लेवल तक ये काम आता है इंजीनियरिंग के अंदर। तो चलो इस टॉपिक को समझते हैं, बहुत आसान है। देखो भाई, मोशन ऑफ ऑक्सीलेटर, ऑक्सीलेटर क्या होता है? हर वो चीज़ जो ऑक्सीलेशन करती है, यानी आसान लफ्ज़ों में कहें हर वो चीज़ जो वाइब्रेशन करती है, हर वो सिस्टम जो वाइब्रेशन करता है, उसे आप ऑक्सीलेटर कह सकते हो। ठीक है, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को आप लिख सकते हो ऑक्सीलेटर। ठीक है, ऑक्सीलेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। हर वो चीज़ जो के ऑक्सीलेशन करती है, यानी वो वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, अब वाइब्रेट कैसे करती है? वाइब्रेट ऐसे करती है, बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन होती है। यानी आपने थोड़ा सा स्प्रिंग को खींचा, स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग फोर्स आ गई, स्प्रिंग अपनी लोकेशन पे दोबारा आया, यानी पीछे आया। ठीक है, अभी मैं पूरा ड्रॉ करूँगा। फिर और पीछे चला गया, मज़ीद कंप्रेस हो गया और फिर यहाँ पर अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर आ गया। जब ऐसा कंप्लीट होगा ना, तो एक वाइब्रेशन हो जाएगी। एक वाइब्रेशन कब होगी? जब मीन से एक्सट्रीम पर जाए, एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से दूसरा एक्सट्रीम, और दूसरे एक्सट्रीम से दोबारा मीन पर आ जाए, तो आपकी एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं ज़रा इसको समझाता हूँ और ये एक इक्वेशन भी ड्राइव करके दिखाता हूँ। देखो, जब भी आपसे कोई पूछे कि द मास एंड स्प्रिंग सिस्टम में वन वाइब्रेशन कब कंप्लीट हो रही है, तो आपने क्या बताना है कि जब आपके पास बॉडी मीन पोजीशन पर हो, मीन से एक्सट्रीम पर जाए, एक्सट्रीम पोजीशन पर। ठीक है, मीन से एक्सट्रीम पर जाए और एक्सट्रीम से दोबारा मीन पर आए, फिर मीन पोजीशन पर आकर दूसरे वाले एक्सट्रीम पोजीशन पर जाए। ठीक है, और फिर वहां से दोबारा मीन पर आ जाए, तो ये आपकी एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वन वाइब्रेशन। ठीक है, वन वाइब्रेशन। इसी चीज़ को आप मज़ीद अच्छी तरीके से आगे भी समझोगे। चलो अब यहाँ पर आ जाओ, इस सिस्टम में समझते हैं कि ये कहाँ पर हो रहा होता है, और इस इक्वेशन को भी देखेंगे इंशाल्लाह। चलो यहाँ पर आओ, देखो ये मास स्प्रिंग सिस्टम या द मास एंड स्प्रिंग सिस्टम, ये SHM करता है। ये क्या करता है? SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, टाइम पीरियड कॉन्स्टेंट रहता है। यहाँ पे लिख लो TIME, टाइम पीरियड इज कॉन्स्टेंट। किस में कॉन्स्टेंट है टाइम पीरियड? मास एंड स्प्रिंग सिस्टम में। समझ में आई बात? इसको याद रखना, इस बात को इसको नहीं भूलना। मतलब एक वाइब्रेशन जितने टाइम में कंप्लीट हुई ना, अगली वाइब्रेशन भी उतने ही टाइम में कंप्लीट होगी। उसकी वजह, क्योंकि इसके अंदर कोई भी डैम्पिंग नहीं है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इसके मोशन को रोके। जब मोशन को कोई चीज़ रोकेगा ही नहीं, तो वो मोशन होता ही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप आगे बढ़ना चाहते हो ज़िंदगी में, लेकिन आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात अगर आए ही नहीं, तो आप आगे से आगे बढ़ते रहोगे ना। यानी आप हर टेस्ट में 100 नंबर लाते रहो, बोर्ड एग्ज़ाम में भी 100% ले आओ, तो आप कितना आगे बढ़ जाओगे ज़िंदगी में। इसी तरह से यहाँ पर कोई डैम्पिंग नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस सिस्टम को रोके, तो हर वाइब्रेशन 1 सेकंड में होगी। चलो पहली वाइब्रेशन दिखाता हूँ। देखो याद रखना, एक बात याद रखना कि इक्विलिब्रियम पोजीशन को ही आप मीन पोजीशन कहते हो। अक्सर ये वर्ड इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो अब आ जाओ ज़रा इधर समझो। देखो यहाँ पर आपके पास टाइम क्या है? T=0। अगर आपने ये समझ लिया ना, यकीन मानो आपके लिए चैप्टर हलवा है। चलो इसको समझो, इधर क्या है? T=0 यानी टाइम 0 है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आओ इसको ग्राफ भी बना के दिखा देता हूँ, इसका ग्राफ भी बना देता हूँ। ठीक है, ग्राफ भी बना देते हैं इसका। या क्या है आपका? टाइम इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, यानी आप अभी यहाँ पर हो, ये टाइम का एक्सेस हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सेस हो गया। अच्छा याद रखना, जब भी ये लिखा जाए, इसका मतलब होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या आपके पास ये कहलाएगा एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड, एम
एम्पलीट्यूड। ठीक है चलो ये बात समझ गए। अब ग्राफ जब बना के दिखाऊंगा ना तो मजीद समझ में आएगी आपको वाइब्रेशन, ये वाली वाइब्रेशन वहां पर होती भी नजर आएगी। चलो इसको थोड़ा सा स्ट्रेट बना लेते हैं ताकि हमारा काम साफ सुथरा भी लगे। अच्छा अब आ गया, देखो अब आपने क्या किया, आपने इस पे फोर्स लगाई। जब आप इस पे फोर्स लगा रहे हो तो k इक्वल टू एक्स है, देखो मीन पोजीशन पर है यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जीरो है और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, ये बात क्लियर हो गई। ये इसके ये मास है, ये क्या है आपका, ये मास है, ये मास है, ये मास है, ये मास है, और ये क्या है स्प्रिंग है, ये क्या है स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, याद रखना ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग जब भी आता है आपके पास इलास्टिसिटी आ जाती है, यानी एक रीस्टोरिंग फोर्स आती है। ठीक है ये स्प्रिंग हो गया, चलो ये स्प्रिंग हो गया। अब देखो होता क्या है, मीन पोजीशन पर हो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मीन पोजीशन को, लिख रहा हूँ एम पी मीन पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन को लिखूँगा ई पी एक्सट्रीम पोजीशन। अभी मैं मीन पोजीशन पर हूँ, मैंने क्या किया, मैंने इसको मूव कराया यानी इसको आगे की तरफ घसीटा। मेरे पास एक सेकेंड है, टोटल कितना टाइम है, ओनली 1 सेकेंड है मेरे पास पूरी वाइब्रेशन करने के लिए, ये याद रखना। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने इसको मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर ले गया, तो मेरा क्या कवर हो गया, डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया, और ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, एम्पलीट्यूड भी कह सकते हो या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दोनों सेम है। ठीक है अच्छा अब कहाँ पर आ गया मैं, एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गया, आ गया। अब टाइम मेरा क्या हो गया, टाइम मेरा हो गया 0.25 सेकेंड, कितना हो गया 0.25। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मैं यहाँ पर था, यहाँ से मैं यहाँ आ गया। ठीक है यहाँ पर आ चुका हूँ, तो यहाँ पर मेरा टाइम कितना है। अच्छा ग्राफ में आप 0.25 नहीं लिखोगे, 0.25 किसके बराबर होता है, 1/4 के। यहाँ पर आ गया मैं, ठीक है यहाँ पर आ गया। अब क्या हो गया, हुक लॉ क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ पर हुक लॉ बनेगा f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब माइनस के एक्स क्यों बना, ज़रा ये सुनो, फोर्स मैंने उस तरफ लगाई थी है ना, तो मेरा अप्लाइड फोर्स लगाने की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में कवर हुआ था, इसीलिए यहाँ पॉजिटिव था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो मेरा इस डायरेक्शन में कवर हुआ, डिस्प्लेसमेंट की तो डायरेक्शन ये है, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि कोई चीज़ स्प्रिंग खुद अपने आप को रीस्टोर करना चाह रहा है, यानी वापस जाना चाह रहा है, यानी उसमें एक फोर्स आ गई है, उसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई है, तो फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ जाएगी, फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है मेरी बात समझ गए, सारी चीज़ें मैंने बना दी। चलो अब क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट वापस यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, 0.5। ठीक है यहाँ पर आया तो 0.25, अब वापस आ गया 0.5। अच्छा याद रखना, अक्सर ना इस x को मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस x नॉट को a भी लिखा जाता है, एम्पलीट्यूड यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है तो इसको यहाँ a भी कर सकते हो। ठीक अच्छा, और यहाँ पर हम मैक्सिमम चल रहे हैं। अच्छा अब देखो मेरा ऑब्जेक्ट वापस कहाँ आ गया, वापस उधर की तरफ आ गया, पीछे की तरफ आ गया, जहाँ से चला था वहीं आ गया। तो अब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, बिल्कुल सही ज़ीरो। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है ना, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था मैक्स। ठीक है देखो ग्राफ भी समझ में आ रहा है, वाइब्रेशन कंप्लीट होती हुई नजर आएगी। अच्छा टाइम कितना हो गया, टाइम मेरा 0.5। अब टाइम को मैं 0.5 नहीं लिखूंगा, 1/2 लिखूंगा, समझे मेरी बात। चलो अब देखो यहाँ पर लिखना सही नहीं रहेगा क्योंकि मैं अभी नीचे जाऊँगा ना, तो आई थिंक जगह नहीं है, इधर लिख देता हूँ यहाँ, ये इस टाइम को मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/2। ठीक है यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे नीचे जाना है इसलिए। अच्छा अब मैं दोबारा कहाँ आ गया हूँ, दोबारा मैं मीन पोजीशन पर आ गया हूँ, आ गया हूँ। डिस्प्लेसमेंट मेरा ज़ीरो हो गया। अच्छा अब मीन पोजीशन पर मैं पहुँचा हुआ हूँ। अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा, एफ़ इज इक्वल टू के एक्स हो जाएगा। अच्छा अब स्प्रिंग आपने देखा है ना, यहाँ पर आके रुकेगा नहीं, उसमें अभी भी फोर्स है, तो वो कंप्रेस हो जाएगा, वो पीछे आ जाएगा। ये पहली एक्सट्रीम पोजीशन थी, ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है एक्स नॉट। अच्छा अब इसे माइनस में ए भी लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि वो आगे वाला पहला वाला जो होता है वो पॉजिटिव में होता है, पीछे वाला जो होता है वो नेगेटिव में होता है।
ठीक है। तो अब यहाँ पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में कवर हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, किस डायरेक्शन में कवर हुआ, इस डायरेक्शन में। जब ये स्प्रिंग दबा तो क्या ये रुक जाएगा, आपने देखा होगा, अब ये स्ट्रेच होने की कोशिश करेगा। देखो तो पहले नॉर्मल था, ओरिजिनल था, स्ट्रेच हुआ, स्ट्रेच होकर दोबारा अपनी पोजीशन पे आया, फिर क्या हो गया, ये दोबारा कंप्रेस हो गया। तो अब क्या हो गया, कंप्रेस होने की वजह से दोबारा इसमें फोर्स स्टोर हो गई, अब ये उधर जाएगा। अब इधर टाइम क्या है इसका, इधर टाइम है इसका 0.75 सेकेंड, ठीक है। यहाँ सेकेंड लगा लो, यहाँ सेकेंड लगा लो, यहाँ भी सेकेंड लगा लो, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, ये नेगेटिव में चला गया, नेगेटिव में यहाँ आ गया। तो इसको कैसे लिखोगे टाइम को, 4/3, ठीक है। कैलकुलेट करके भी देख सकते हो 4/3 आ रहा है या 3/4 आ रहा है, एक मिनट में कैलकुलेट भी कर देता हूँ ताकि हम कंफर्म हो जाए। 3/4 ठीक है, 3/4, ठीक है, यहाँ पर आ गया। आपको पता चल रहा है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव है, देखो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, देखो एम्पलीट्यूड भी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव। अच्छा अब यहाँ पे नहीं रुकेगा, अब वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आया तो 1 सेकेंड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 0.25 में ये काम करता रहा, अब दोबारा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब आप सबको पता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेव, एंडिंग पॉइंट ऑफ वेव, यानी यहाँ से आपकी वेव शुरू हुई और यहाँ पर आपकी वेव कवर हुई, इसका मतलब क्या है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई है, यानी आपका जो लैम्डा है वो क्या आ रहा है, लैम्डा, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका लैम्डा बनता है, समझ में आया, एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई और यहाँ पर भी ये वाइब्रेशन होती हुई नज़र आई। तो यही काम हो रहा होता है, बस यही चीज़ आपने समझनी होती है। अब देखो यहाँ पर, देखो ये आ गए हम मेन पोजीशन पर, डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ ज़ीरो, यहाँ पर मैक्स था, यहाँ भी मैक्स था, लेकिन नेगेटिव में मैक्स था, ये याद रखना, ठीक है, जब भी नेगेटिव लगाया। तो इस तरह से आपका काम हो रहा होता है। अक्सर आपको ना बुक में, अक्सर आपको बुक में ये तीन पिक्चर मिलती हैं, 1, 2, 3, ये बीच वाली नहीं बनाई जाती, ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बनाई ताकि बच्चों को अच्छा समझ में आए। देखो मैंने पूरा आपके सामने ड्रॉ किया, अच्छा ये वेव कौन सी बनी, ये वेव बनी साइन वेव, ये कौन सी वेव बनी, साइनोसाइडल वेव, ये बना देता हूँ, साइनोसाइडल वेव। अब देखो ये मैं आगे वाले टॉपिक में समझा दूंगा साइनोसाइडल वेव क्या होती है। साइनोसाइडल वेव एक ऐसी वेव होती है जिसमें साइन फंक्शन होता है और आपकी जो चीज़ है वो ओरिजिन से शुरू हो रही होती है, कोसाइडल वेव या कोसाइन वेव में मैक्सिमम से शुरू होती है, वो मैं भी समझा दूंगा, अगला टॉपिक इसी पर है हमारा, ठीक है। तो ये हमें करना है। अब हुक लॉ देख लेते हैं, हुक लॉ क्या कहता है भाई, हुक लॉ में हमने पढ़ा था कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, डिस्प्लेसमेंट के। अब देखो यहाँ आपके पास क्या है, मैं यहाँ पर x लिख रहा हूँ, तो भाई x हमारे पास x नॉट ही है, क्यों, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को x लिखो या x नॉट लिखो। अच्छा अब देखो ये क्या, k क्या है, कॉन्स्टेंट, k क्या है आपके पास, कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट कौन सा वाला कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, इसको प्यार से स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कहा जाता है। चलो तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कोई भी बच्चा इसे ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा, मैंने बहुत डिटेल में ले गया, बहुत अच्छा कर दिया आपके लिए, बस इस सिस्टम को देख लेना आपको बात समझ आएगी। एक छोटी सी चीज़ और बता दूँ कि बेशक आपका ये सिस्टम सरफेस पे रखा हुआ होगा, है ना, और सरफेस फ्रिक्शनल लेस होगा, यानी ये सिस्टम हवा में तो नहीं होगा ना, किसी ज़मीन पर रख कर हो रहा होगा, तो सरफेस फ्रिक्शनल लेस होगा, यानी कोई भी एनर्जी ज़ाया नहीं करेगा। एक और चीज़, इस बॉक्स को मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, इस बॉक्स को मैं यहाँ बना रहा हूँ, इसके ऊपर दो फोर्सेस और लग रही होंगी वर्टिकल, एक फोर्स होगी आपके पास नॉर्मल की और एक फोर्स होगी आपके पास वेट की, नॉर्मल इक्वल टू वेट होगा आपका, ये याद रखना, यानी नॉर्मल और वेट आपस में बराबर होंगे तो इसलिए वर्टिकल जीरो मोशन होगी। या लिख लो, देयर इज नो मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है और जो नेट फोर्स है वो किस में है, नेट फोर्स जो है वो
हॉरी नेट फोर्स जो है वो आपकी हॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ठीक है। और ये किसकी वजह से है? स्प्रिंग की वजह से है। तो आई होप मेरी बात आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर किसी ने छोड़ा होगा तो उसे मुश्किल करेगा। इसके बाद वाला टॉपिक करते हैं इंशाल्लाह और उसको भी समझते हैं। यहाँ पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और मैं समझा दूँ, वो आपकी बुक में लिखी हुई है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखो ये एफ़ किसके बराबर होता है, हम सब जानते हैं एम ए के बराबर होता है ना। यहाँ पर कर देता हूँ, तो एम ए को यहाँ पर पुट कर दो, एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स, इधर पुट कर रहा हूँ इक्वेशन वन में, ठीक है। अच्छा, ए उसको उधर ले जाओ, ये आपके पास जो के अपॉन एम होता है ना, और माइनस माइनस के साथ नहीं, ये कांस्टेंट होता है। अब कांस्टेंट कैसे होता है मैं बता देता हूँ भाई। देखो मास तो तब्दील नहीं होगा ना ऑब्जेक्ट का, देखो जो मास यहाँ था वही यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, वो भी तब्दील नहीं हो रहा। स्प्रिंग भी तब्दील नहीं हो रहा, स्प्रिंग भी सेम है, इसीलिए ये दोनों चीज़ें आपकी कांस्टेंट होती हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। चलो अब कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक। तो आई होप बात अच्छी समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।